परांदे नहीं आपके पास बच्चियों के, वो पता है कहाँ से मिलेंगे? मगर वो सिंपल में नहीं चाहिए, फैंसी परांदे। हाँ फैंसी में था। ये चौक में से लेफ्ट होंगी ना आप, तकरीबन 6 दुकानें छोड़कर नज़ाकत ज़री है, उसके सामने लगेगी। अच्छा नज़ाकत ज़री में, ठीक है वो मुझे पता है। क्योंकि साइज 6 साल की बच्ची के मल्टी कलर दिखा दो ना मेहंदी के लिए। नहीं ऑरेंज ऑरेंज और वाइट है उसका ना ड्रेस, फुल ऑरेंज है, ऑरेंज में दिखा दें। ऑरेंज वाइट मिक्स कर लो। साइज 6 साल की बच्ची का, ठीक है आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ कितने का है ये? ये 150 रुपये दर्जन है। अच्छा ठीक है। ये किस तरह लगाए हैं? 650 का। ये कहाँ से, इसका साइज मतलब साइज कहाँ तक है? 700 का साइज ही है, 0 से लेकर 7 साल तक का साइज है। 1500 का एक है, 300 से ऊपर नहीं आता। ये क्या एक दोनों है? अब नहीं बताएगी। 1500 बोला है, और इधर बोला ये 1500 का दोनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज चलते हैं, एक बार फिर से विज़िट करते हैं लोकल मार्केट का, मोती बाज़ार की गलियों का। कुछ वेडिंग का सामान लेना है, खुशे लेने हैं बच्चों के, दुपट्टा वगैरह लेना है, एक फंक्शन का सूट भी रह गया है, गजरे लेने हैं मगर अच्छे से मतलब अच्छी क्वालिटी के हों, आर्टिफिशियल गजरे ही चाहिए। तो अब मैं आपको जाने लगे बाज़ार में, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। और जो है वो शॉप के साथ साथ ना मैं जिजान से बाय करूँगी, कार्ड वगैरह भी आपको शो करूँगी ताकि जो है आपको शॉप का नाम पता लग जाए। लेकिन मोस्टली जो है मोती बाज़ार में जितनी भी शॉप्स हैं ना उनके कार्ड भी नहीं और जो है उनके नाम का बैनर्स भी नहीं लगा हुआ इन शॉप का, कि मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूँ सैंडल्स, बच्चियों के सैंडल के बारे में मैं देख रही हूँ। यहाँ पर जितनी भी सैंडल्स हैं 500 से स्टार्टिंग है, लेकिन 1250 की भी सेल लगी हुई है बच्चों की जूतियों की। और यही जो सारी जूती है ना, आप किसी और मार्केट से जाएंगे ना 2400 और 2500 की, और ख़ास तौर पर ब्रांड की शॉप में जाएंगे तो यही चीज़ है वो इतनी एक्सपेंसिव लगी हुई है। अब ये जो सिल्वर वाली है तकोन बनी हुई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इशाल का मैं नाप लेके आई हुई थी। एक और मैं आपको सजेशन लाजमी दूँगी कि इन बाज़ारों में ना खास तौर पर, क्योंकि इतनी कंजस्टेड जगह होती है, बच्चों को बिल्कुल भी मत लेके आए, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं और ये बात है रश होता है, तो ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अगर लेके आए ना। तो बहरहाल यहाँ मैं चेक करी थी, उसका नाप लेकर आई हुई थी और ये जो है वो 1200 की सेल पर लगी हुई थी। ये जूती मुझे बहुत अच्छी लगी, फ़र्स्ट टाइम मैं हील ले रही हूँ शॉल के लिए। माशाल्लाह वो 5 साल की है, और मतलब 5 से लेकर 6 साल के लिए, 8-10 साल के बच्चों के लिए आपको इजीली यहाँ से शूज़ मिल जाएंगे। ये वाले जो शूज़ बॉयज़ के लगे हैं ये 750 की सेल पे लगे हुए थे, ठीक है। और जो छोटी बच्चियों के शूज़ हैं वो उनके 550 या 500 जो है वो सेल थी, साथ में इनके जोकर्स भी थे। लेकिन क्योंकि मुझे फैंसी जूते चाहिए थे और फंक्शन के लिए, मेहंदी वली में वगैरह के लिए, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, तो मैं थोड़ा फैंसी ही चेक कर रही थी। तो ये ज़रा ना नाप के इनको चेक कर रहे थे कि पूरा है कि नहीं। अपनी तरफ से मैं लेके भी गई थी, मगर ये है कि इसको जो मैंने बाद में घर आके पहनाई थी थोड़ी सी बड़ी थी, बट ये है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, शुक्र है कि मिल गई। अच्छा ये जो पोर्ट हैं, ये बैग्स जो हैं वेडिंग के, ये आपको जो है वो 700 कह रहे थे, तो मैंने इनका फ़ाइनल बताया आप कितना करेंगे। ये सारी जो है वो आपको 600 में जो है वो मिल जाएगी। अगर आगे कहीं जाते हैं तो क्या पता 500 में भी मिल जाए आपको, मतलब इसी रेंज में आपको ये बड़ी जो है वो बैग्स, वेडिंग के बैग्स जो लगे हुए हैं मैरून कलर में, रेड कलर में, देख रहे हैं आपको कितने प्यारे खूबसूरत से हैं डिज़ाइनिंग के, तो ये आपको जो है वो 500 तक में ईजीली बारगेन करके आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं ये देख रही थी, मतलब कि मुझे शॉल के लिए छोटे चाहिए थे तो वो मुझे बहरहाल नहीं मिले मोती बाज़ार से। अगर आपको कहीं पता हो कि कहाँ से ये मिलेंगे, छोटे मुझे बैग चाहिए बच्चियों के लिए, तो वो आप मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा।
अच्छा जी, अब मोती बाज़ार से निकल के हम थोड़ा सा आगे बड़ा मार्केट की तरफ भी जा रहे थे और उर्दू बाज़ार भी हमने जाना है। ब्लॉग को ना आपने पूरा देखना है, ठीक है। अब ये जेंट्स के कपड़े जो है ना, ये ड्रेसेस जो है वो 4000 के सिर्फ शलवार कमीज़ दे रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप बारगेनिंग करते हैं तो आपको 3500 का मिल जाएंगे, लेकिन जो कोट अलग से है ना, ये भी यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा रेट तेज था। ये भी इसको जो है वो 4000 का कोट सिर्फ कह रहे थे, और पूरा कह रहे अगर, लेकिन अगर आपने पूरा शलवार कमीज़ कोट से समेत आपने ये कोई ड्रेस लेना है तो आपको 6000 का हम दे देंगे, ठीक है। दोबारा हम इंटर हुए हैं मोती बाज़ार में, क्योंकि इनके साथ साथ गलियां होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अक्सर मुझे ना वो ब्लॉग में कमेंट कर रहे होते हैं कि ये कौन सी शॉप है, कौन सी जगह है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप गली में एंटर होंगे ना, सामने ही आपको सारी शॉप्स नजर आएंगी। अच्छा जी, सबसे अच्छी बात जो है ना वो मैं आपको इस शॉप के बारे में बता रही हूँ, इसका नाम है IS मॉल, और मोती बाज़ार में ये शॉप है। और इनके पास जो है वो अगर किसी को बेस्ट क्वालिटी का बेहतरीन ड्रेस चाहिए, बेहतरीन कपड़ा भी हो, बेहतरीन चीज़ हो, तो अगर हल्का कपड़ा ना हो मगर प्राइस भी बहुत मुनासिब हो, तो आप मोती बाज़ार के स्टार्टिंग में इस गली में आ जाएंगे। ये IS मॉल है, इनके पास इतने प्यारे और ख़ूबसूरत पेंट कोट्स हैं, इनके पास बच्चियों के फ्रॉक्स हैं, वो भी मैं आगे चल कर दिखाऊंगी। मगर जो मैंने मोती बाज़ार से, आपको सस्ते भी पेंट कोट मिल जाएंगे, 2500 के भी मिल जाएंगे, और जो है वो 3000 के भी मिल जाएंगे, 2000 का भी मिल जाएगा, लेकिन उस कपड़े की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी लो होगी। लेकिन ये आप चेक करें पेंट कोट, इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का कपड़ा है, इसका फिनिशिंग जो है वो इसकी बहुत अच्छी है, ब्रोच वगैरह लगा के इसमें दिया हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि मलकाबाद से इनकी शॉप्स पर भी मैंने जितने पेंट कोट देखे ना, उनकी क्वालिटी मुझे बेहतर नहीं लगी, मैंने खुद चेक किए तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने कहा अगर ये भी इस क्वालिटी में ये 4-5 हज़ार के पेंट कोट दे रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि हम मोती बाज़ार जाके उसी क्वालिटी का 2500 का सूट और 2000 का सूट ले लें, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट शॉप मुझे नज़र आई है मोती बाज़ार के अंदर जिसके जो है वो प्राइस भी रीज़नेबल है, और इनके पास जो पेंट कोट की क्वालिटी है, प्रिंस कोट है इनके पास, और जो है वो 4 पीस 2 पीस सब कुछ है, इवन शलवार कमीज़ और इनके पास आपके लिए मॉस्किट वगैरह भी मिल जाएगी, वो सब की क्वालिटी और जिनका कपड़ा है ना वो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है। तो इस शॉप का ना कार्ड भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये ऑनलाइन भी डिलीवरी करते हैं, ये इनका कार्ड है इस्माइल फैज, और डील इनके बिग गारमेंट, ठीक है। मेन मोती बाज़ार में है, C119 और रावलपिंडी। अब मैं आगे चल के आपको ये दिखाती हूँ इनकी फ़्रॉक्स वगैरह, फ़्रॉक्स देखिए, इनके फ्रॉक्स जो है वो बहुत अच्छी है, डिफरेंट इनके पास है, कलर भी डिफरेंट है और डिज़ाइन भी है इनके पास है, फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। अगर ख़ास तौर पर आपने बच्चियों के लिए शादी की शॉपिंग करनी है, फ्रॉक्स लेनी है, या निकाह के लिए कोई ड्रेस लेना है, माइयों के लिए मेहंदी के लिए ड्रेस लेना है, तबके का काम हुआ है, मोती का काम हुआ है, और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे ये ड्रेस नहीं नज़र आए, या फिर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड की शॉप में देखेंगे, मारिया भी वगैरह में ऐसे जो ड्रेसेज हैं ना छोटी बच्चियों के, वो आपको मिलेंगे, और वो फिर मगर फिर एक्सपेंसिव भी होंगे, 9000 का 10000 का। यहाँ पर आपको इजीली जो है वो 3000 की रेंज से लेकर 2000 की रेंज से लेकर 4-5 में आपको इजीली फ्रॉक भी मिल जाएगी, ड्रेस भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा सूट, ठीक है ना, उस लिहाज से ये महंगा नहीं है। फ्रॉक्स भी चेक करें, फ्रॉक की क्वालिटी, फ्रॉक की डिज़ाइनिंग, फ्रॉक की स्टिचिंग, ये चेक करें, इतना प्यारा खूबसूरत ये ग्रे कलर का फ्रॉक था, ये भी बहुत ज़्यादा जो है प्यारा। इनके पास फ्रॉक जो है ना वो 6 मंथ से लेकर आपकी जो है वो 12 से 13 ईयर की एज के बच्चों की फ्रॉक्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये पिंक और देखिए रेड वाली फ्रॉक्स, ये भी बहुत प्यारी और खूबसूरत है, ये पीच कलर में जो है और वाइट कलर में है, पिंक कलर में और वाइट कलर में, और पिंक और ग्रे कलर में, ये आपके पास डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, ये भी आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी, बहुत प्यारी खूबसूरत है। फ्रॉक की जो कलेक्शन है इनके पास वो भी बहुत अच्छी है, और जो वेडिंग ड्रेसेस हैं, शलवार कमीज़ और लहंगे शरारे, इनकी जो है वो भी कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी है। अब इनमें कलर भी आपको मिल जाएंगे, डिज़ाइनिंग भी आपको मिल जाएगी, और बहुत अच्छी मुनासिब प्राइस में। कार्ड मैंने आपका इनके साथ शेयर कर दिया है, ये चेक करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ना सारा दिखाती हूँ कि इनके पास किस किस्म की डिज़ाइनिंग और किस टाइप की जो है वो ड्रेसेस हैं। ये देखिए फ्रॉक है और साथ में इसके शरारा है, ठीक है, पिंक कलर का, और इसमें जो है वो आपको साथ में ये शॉकिंग पिंक कलर है, और साथ में एक और कलर मैं दिखाती हूँ पिस्ता ग्रीन कलर, ये कलर भी बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, कार्ड मैंने आपको साथ शो कर दिया, अगर आपने लेना है तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी शलवार कमीज़ है, आप इजीली साल के बच्ची को भी पहना सकती है। इनके पास जो साइज़ है वो डिफरेंट है, अच्छे फैंसी सूट के जो है वो छोटे भी साइज भी मिल जाएंगे, बच्चों के भी आपको यहाँ पर पेंट कोट वगैरह और शर्ट वगैरह जो है वो अच्छी मिल जाएगी, क्वालिटी जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
अब चलते हैं जी हम घूसे देखने। ऑरेंज कलर के मैं घूसे चेक कर रही थी, ये जो है वो मैं नाप रही थी, थोड़ा बेहतर ही लग रहा था मगर बहुत ही सिंपल सा घूसा था। तो मैंने ये इसकी प्राइस जो है वो ये 500 बता रहे थे। मैं साइज़ इसका ज़रा चेक करी थी लेकिन मैंने कहा कि नहीं थोड़ा ना मुझे क्योंकि शादी के हिसाब से चाहिए, मोती वगैरह लगे लेकिन थोड़ा फैंसी हो, ग्लिटर्स वगैरह और ये एक्सेट्रा। अच्छा जी मुझे ना व्लॉग में सबने कहा था कि आपने ना मुझे हमें बताएं कि जी जो स्वेटर्स वगैरह है ना ये कम रेंज में, ठीक है, अगर किसी ने नई स्वेटर चाहिए मतलब आपको लंडे का माल या कोई दूसरे सेकेंड हैंड नई चीज़ चाहिए लेकिन नई ड्रेस स्वेटर चाहिए कैप्शूल्स वगैरह चाहिए, तो वो मैंने एक शॉप का व्लॉग बनाया था तो मोस्टली लोगों को ना वो बहुत एक्सपेंसिव लगी थी। यहाँ पे ना ये 1500 की 2000 की सेल पे लगी हुई है इस सारी गर्म स्वेटर। मोती बाज़ार में आप आएँगे तो आपको इस टाइप की स्वेटर्स कोट और कैप्शूल जो है वो 1500 और 2000 की सेल में आपको यहाँ मिल जाएंगे। विंटर चूँकि आने वाली है तो इसलिए हर बाज़ार में हर मार्केट में जो है वो सारा विंटर का सामान ओपन हो गया। ये देखिए ये कैप्शूल है, ये भी आपको 1500 की मिलेगी, सेल पे लगी हुई है, फिक्स प्राइस होती है, जो सेल पे लगी होती है ना उसमें कमी पेशी नहीं होती। ऊपर ये कैप्शूल है ये भी 2000 की आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपने लेने हैं तो एक बार मोती बाज़ार विज़िट करें, यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉल नहीं आपको जगह जगह आपको ढेर सारे स्टॉल नज़र आएंगे। ये देखिए ये सारी स्वेटर्स लगी हुई है और 2000 रुपये की ये सेल पर लगी हुई है। इनकी डिज़ाइनिंग डबल टू पॉकेट्स है, साथ में ब्रोच भी लगा हुआ है और लेंथ इनकी आप ख़ुद भी चेक कर लें, कलर्स वगैरह जो है वो इनके पास डिफरेंट है। तो जिस मैं अंदर इंटर हुई ना तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि जो है वो हमें रीज़नेबल प्राइस में स्वेटर्स वगैरह या कैप्सूल वगैरह बताएं कि वो अच्छी हो नहीं हो मगर प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई मत हो, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आप आएंगे मोती बाज़ार तो आपको जो है वो यहाँ पर इस रेंज में 1500 में 2000 में 3000 की भी है 4000 की भी है मगर इसी रेंज में ना आपको मिनिमम इसकी प्राइस है वो 1500 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चल फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ब्राइडल ड्रेसेस की दुकान है, ज्वेलरी की शॉप्स है, जगह जगह ज्वेलरी की स्टॉप जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं। ये बच्चियों के ड्रेस है 3500 का 400 का। ये देखें एक और यहाँ पे इन शॉप है, इन्होंने बाहर भी स्वेटर्स वगैरह हैंग की हुई है। और इसके अलावा गाने वगैरह मेहंदी अच्छी वाली अगर है तो जम जम गारंटी के साथ है। दो मेहंदी दे दें, दो कितने की है? 100 रुपए की। बस ठीक है, नहीं ठीक है। परांदे नहीं आपके पास बच्चियों के? वो पता है कहाँ से मिलेंगे? मगर वो सिंपल में नहीं चाहिए, फैंसी परांदे। हाँ फैंसी में था। ये चौक में से लेफ्ट होंगी ना आप, तकरीबन 6 दुकानें छोड़कर नज़ाकत ज़रिए उसके सामने लगेगी। अच्छा नज़ाकत ज़रिए में, ठीक है वो मुझे पता है। चूड़ियाँ हाँ जी लेनी है ऑरेंज कलर की जी। चूड़ियाँ दिखा दें, 6 साल की साइज। 6 साल की बच्ची के मल्टी कलर दिखा दो ना मेहंदी के लिए। नहीं ऑरेंज ऑरेंज और वाइट है उसका ना ड्रेस, फुल ऑरेंज है, ऑरेंज में दिखा दें। ऑरेंज वाइट मिक्स कर लो। साइज 6 साल की बच्ची का, ठीक है आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ कितने का है ये? 150 रुपये दर्जन है, जितने आपको चाहिए। 150 रुपये डेढ़ बस दर्जन कर देना। 6 से करनी है? 1 दर्जन ठीक है, 6 वाइट कर दें। ये 12 है? 12 ही होगी ना? 12 है ये जी। बस यही ले लेती हूँ फिर, एक मिनट बाकी में गजरे भी तो पहनेंगे। इसको कर दे, इसको अच्छे से पैक कर दे। और मैरून कलर की भी चूड़ियाँ दिखा दे शार्क सूट के साथ के। ये सेम साइज़ है? सेम साइज़ मैरून, रेडिश मैरून होगा, डार्क वाला नहीं होगा? नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। और इसके अलावा ये क्या इतने बड़े बड़े? ये ब्रेडल कटे लगे हुए इसमें। किस तरह का एक है ये? ये एक किस तरह का है? एक और एक हज़ार रुपये का छोटा वाला, 500 का ही ऊपर लगा है, नीचे वाला 1000 रुपये। एक दिखाएंगे ज़रा मुझे निकाल के, अंकल निकाल के दिखाएंगे? ये
اور پیارا سب سے خوبصورت والا دکھائی دے رہا نہیں یہ نہیں ہلکا ہے یہ نیچے والے جو بھاری بھاری سے ہے نا وہ میں کہہ رہی ہوں ساڑھے سات سو اچھا ٹھیک ہے ہاں یہ پوچھے کس سے بھائی یہ اگر اپنی شاپ کا نا کارڈ دے دیں مجھے چینل پہ ہمارے اور کچھ نہیں رات کے کچھ چڑیا وہ میرے پاس ہے سیٹ کے ساتھ کی تو جی یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر میری پسند آئے تو اپنے چینل کو میرے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ جو ہے وہ شاپنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ولاگ ہیں نا آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ضرور آ جائے اور کیا کہتے ہیں نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ولاگ میں نے تھوڑا سا آگے اور بھی شاپنگ وغیرہ کی ہے بازار کا تھوڑا وزٹ کیا ہے میں آپ کو شاپس وغیرہ دکھاؤں گی جولری وغیرہ کی جوتوں وغیرہ کی اور جو چیزیں بائی کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے نا بیل آئیکن پہ لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میرا لیٹسٹ جتنا بھی ولاگ ہے وہ آپ کو مل سکے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو کے اس میرے اس ولاگ میں نا آپ کو ساری چیزیں خاص طور پر ونٹر کے لیے جن کی ریکویسٹ آ رہی تھی وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ایک بار موتی بازار آتا تھا وہ چکر لگا لیں بہت ہی اچھی ریزنیبل پرائز میں آپ کو سویٹرز وغیرہ اور بچوں کے کپڑے بھی ونٹر کے اچھے سے مل جائیں گے